हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं विम एन जी। बेसिकली इस गेम में हम लोग को एक ये सरफेस है, इस पे हम लोग को कार को ले जाना है। और ये इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि ये बहुत कर्ली है। और इसके टॉप पे हमको अपने कार को ले जाना है और ये टास्क हमको पूरा करना है बिना गिरे, क्योंकि जैसे गिरेंगे और सरफेस से तो कार टूट जाएगी बहुत घटिया तरीके से। और ये इतना मतलब हार्ड है ना ये टास्क, क्योंकि इस पे चला के अपने कार को एकदम बैलेंस बना के चलाना है और चला के इस पूरे सर्कल पे ऐसा राउंड शेप करके और फिर हम लोगों को ऐसे चलाना है। और ये देखिए कितना बड़ा है ये टास्क, और आज हम लोग इसको पूरा करने वाले हैं अपने कार से। और तो गेम में बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये मैप कैसा लगा और ये गेम कैसा लगा। तो चलते हैं हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने गाड़ी के पास, क्योंकि ये जो गेम है ना और ये बहुत अच्छा है। मतलब इसका जो मैप है ये बहुत ही बढ़िया मैप है और ये बहुत ज़्यादा ये क्रिटिकल होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कार को और लेके चलते हैं और देखते हैं भाई कि कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है इसको ले जाना गाड़ी को। थोड़ा सा भी स्पीड किए हम लोग और गाड़ी चली जाएगी नीचे खाई में, तो इसको लेके चलना पड़ेगा। और ये इधर थोड़ा आसान रास्ता है इधर, लेकिन जैसे ही ये कर्ली होते जाएगा वैसे ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो आप लोग बने रहिए। और भाई ये मतलब लैम्बोर्गिनी है और ये देखिए कैसे जा रही है, ये बहुत मतलब क्या हम बताएं, इतनी इतनी ज़्यादा ये मतलब डिफ़िकल्ट। अब देखिए यहाँ कितना डिफ़िकल्ट है और इसी पे ले जाना है भाई। हो जा, ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, हो जा, गिर गया। और ये कार देखिए कितनी बुरी तरीके से मतलब फट गई है एकदम। इसका इंजन देखिए, हर चीज़ इसका चितरा उड़ गया है पूरे तरीके से। और इसका ये राइट साइड का जो इसका व्हील है वो भी निकल गया है पूरा। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं इसको दूसरे कार से। और ये देखिए ये भी बहुत अच्छी कलर की कार है, सेम कार है बस कलर डिफरेंट है और थोड़ा मॉडिफिकेशन अच्छा है। और इसको भी वैसे ही लेके चलेंगे और देखते हैं कि इसको पार कर पाती है कि नहीं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है और हम लोग को ये टास्क पूरा करना है। और गलती से थोड़ा सा तो सीखे कि इसको थोड़ा धीरे लेके चलना है और ज़्यादा राइट लेफ्ट नहीं करना है, क्योंकि कार ऊपर चली जा रही है तो निकल जाएगी। तो भाई इसको फिर वहीं आ गए और देखते हैं कैसे पार, ये जा रही है, सही जा रही है। थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा, ये पार कर गई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से ये पार कर गई इसको, इस टास्क को। इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट आगे आने वाला है, जैसे जैसे गाड़ी गेम में आगे बढ़ते जाएगी ना भाई, वैसे ऐसे इस गाड़ी को डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। और देखिए ये तो थोड़ा कम था कर ली और ये बहुत ही ज़्यादा कर दिया है, और इसमें और ज़्यादा चैलेंजेस है। तो इसको भी पार देखते हैं करते कि नहीं, और थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा क्योंकि नहीं करेंगे तो गाड़ी गिर जाएगी। ये देखिए, ओ भाई गिर गए, ये गाड़ी बहुत घटिया तरीके से भाई गिर गई। और देखिए इसका पूरा एकदम बैलेंस गड़बड़ा गया, एकदम नीचे का बम्पर से लेके वुड और मिरर सब कुछ फूट गया भाई इसका। देखो ये नीचे से मतलब बहुत घटिया से ये टूटी है। और ये भाई इतना डिफ़िकल्ट है ना ये टास्क को पूरा करना, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं एक बार फिर से रेड लैम्बोर्गिनी, और इससे हम लोग लेके चलते हैं फिर वही वाला मैप और वहीं से पूरा करते हैं और देखते हैं कि भाई वहाँ पहुँच पाती है कि नहीं अपनी लैम्बोर्गिनी, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। वहीं भाई ये लगभग पूरा कर, मतलब ये पूरा कर देने वाला था ये कार, लगभग ये वहाँ तक पहुँच जाती, लेकिन थोड़ा सा बस गड़बड़ा गया इसका, नहीं तो ये बहुत अच्छा थी और निकल जाती वहाँ पे। तो भाई इसको क्या करें, ये बहुत बुरी तरीके से ये भी कार हमारी फूट गई है। तो लेकिन इसको एक बार और ट्राई करेंगे और लेके चलते हैं और फिर एक दूसरे कार और दूसरे कलर। भाई ये लगता है कि ये कार हमारी कुछ सही काम कर जाएगी, क्योंकि मैप बहुत डिफिकल्ट है और इसको पार करना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। और ये अच्छे तरीके से निकल गए भाई। अब हम इसको राउंड से चलाने वाले हैं, जो कि एकदम राउंड है
और राउंड से भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट है, गाड़ी को रेस देते हैं। अरे देखिए यार, थोड़ा सा के लिए एकदम मतलब गड़बड़ गया। ओ भाई, ये बहुत बुरे तरीके से फट गई है कार, और ये बहुत डिफिकल्ट है इसको इस गेम में पार कराना, क्योंकि थोड़ा सा आपका बैलेंस गड़बड़ाएगा, आप सीधे नीचे उतर जाइएगा। और देखिए इस गाड़ी का भी दशा क्या हो गया, एकदम गाड़ी का बहुत बुरा हाल हो गया भाई इसका। तो ये गाड़ी इतनी खतरनाक कार है ना, फिर भी इसका ये दशा। हम लोग एक बार और ट्राई करते हैं और दूसरे मैप से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। बहुत डिफिकल्ट है इसको ले जाना, और ये कार थोड़ा मतलब ग्रिप इसका बहुत अच्छा है इसका, ये मॉडिफिकेशन उसी टाइप पे हुई है, इसका ग्रिप बहुत अच्छा है। देखिए इसका साउंड और इसका ग्रिप देखिए, थोड़ा सा भी नहीं फिसल पाया जल्दी। हाँ, और ये पार कर गई लगभग, और एक बार और इसको पार करना, ये अगर पार कर जाते हैं तो बहुत अच्छा। ये देखिए भाई, ये क्या, ये अच्छे से पार कर रही है यार, ये लग रहा है कि टास्क को पूरा कर देगी। और ये चल रही है तो हम लोग को लग रहा है कि ये पार कर जाएगी ये कार, बहुत डिफिकल्ट है और ये कर ली। और जितने आगे बढ़ते जाएंगे चैलेंजेस उतने बढ़ते जाएंगे। ये देखिए, ये क्या भाई, ये जा रही है हम लोग की कार, बहुत अच्छे तरीके से जा रही है भाई। ये तो बहुत हद तक ये पार कर चुकी है, ये कार बहुत ज़्यादा दूरी तय कर चुकी है। और देखते हैं कि इधर ये निकल पाती है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा आसान होने वाला है, पहले ही बैलेंस करना है भाई इसका। ओ भाई, ये भी गिर गई, ये भी चली गई, ये देखिए ये भी गिर गई, इसका भी दशा ख़राब हो गया है भाई, ये बुरे तरीके से फेल हो गई है कार। तो भाई अब इसको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या ये चैलेंज पूरा हो पाएगा कि नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।